बिहार के मधुबनी जिले में जिला मुख्यालय से करीब 12 किलोमीटर दूर बेनीपट्टी में है गंडेश्वर महादेव मंदिर। इस मंदिर का निर्माण कब हुआ ये कोई नहीं जानता, क्योंकि यहाँ के लोग पिछले कई पीढ़ियों से इस मंदिर को देख रहे हैं। कहते हैं कि भगवान शंकर का ये मंदिर महाभारत कालीन है। महाभारत में भी इस मंदिर का उल्लेख मिलता है। मधुबनी में मशहूर है कि भगवान गंडेश्वर की इच्छा के बिना कोई काम नहीं होता। हालांकि ये मंदिर बहुत आलीशान नहीं है, लेकिन मधुबनी के लोगों के लिए आस्था का मुख्य केंद्र है। इस मंदिर की एक पौराणिक कहानी है। कहते हैं कि एक बार अर्जुन को अपनी ताकत पर घमंड हो गया था। उनका घमंड तोड़ने के लिए भगवान शिव ने अर्जुन से उनके सभी तीर छीन लिए। बाद में भगवान कृष्ण के कहने पर उन्होंने अर्जुन को तीर वापस किए। इसके बाद अर्जुन ने यहाँ भगवान शिव के मंदिर की स्थापना की। क्योंकि अर्जुन के धनुष का नाम गांडीव था, इसलिए भगवान शिव के इस मंदिर का नाम गंडेश्वर महादेव मंदिर पड़ा। अर्जुन महाराज जो थे खुद तपस्या किए हुए थे, तो जब अर्जुन महाराज तपस्या किए यहाँ पर, तो उनका घमंड हो गया क्या कि हमेरा से बलवान कोई नहीं है। तो शंकर जी भोलेनाथ सोचे कि इनको घमंड हो गया, घमंड कैसे तोड़े। सारा बांध छीलने के बाद क्या किया, तो शंकर जी मूड़ी लटका के अपना घर में आ गए। श्री कृष्ण जी तो सावधान रहे थे। श्री कृष्ण जी बोले कि क्या हो गया कि मूड़ी क्यों लट गया। तो क्या कहे, एक बंजारन थे से वो सारा छीन पास मेरा सारा बांध तान सब छीन लिया। कहते आप से बलवान कौन हो गया, आप तो घमंड में थे कि मेरा से बड़ा। कल के आप ध्यान दीजिए, ध्यान दिए तो शंकर जी प्रत्यक्ष हो गया। तो बोले कि हम तब ने विश्वास करेंगे, अब दोनों आदमी नर नारी दोनों आदमी प्रत्यक्ष हुई तब विश्वास करेंगे आप ही हैं। तो दोनों प्रत्यक्ष हुए हैं, तब वो अपना बांध दिए हैं। कहते जी इसी बांध से आपको रणभूमि में महाभारत जो चालू है आपको साथ वो विजय होगा। यही बात उसी दिन से वो नाम रखे गांडवेश्वर नाथ, उससे पहले था इनका धर्मेश्वर नाथ। इस मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग की स्थापना की गई है। आमतौर पर इस मंदिर में ज्यादा भीड़ नहीं होती, लेकिन शिवरात्रि के समय यहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है।